हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भाभी संजीव ऑफिशियल। तो कल मैंने स्टोरी मेंशन की थी कि आप लोगों को जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं मुझे, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो आज मैं उनका रिप्लाई करने वाली हूँ आप लोगों को। एंड आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो वगैरह, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे पूछा गया है, दीदी आपने कहाँ से और कहाँ तक पढ़ाई की है? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आधी पढ़ाई मुंबई से की हुई है, आधी पढ़ाई राजस्थान से की हुई है मेरी। तो मैंने बीए फाइनल किया हुआ है और मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था, और मैंने एनटीडी मींस की नाथद्वारा से एसएमपी कॉलेज से की हुई है। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है सेकेंड, दीदी आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ फिलहाल, अभी मैं मुंबई में ही हूँ, बाकी मेरी शादी उदयपुर में हुई है और मैं उदयपुर भी रहूँगी, मीन्स अभी जाऊँगी तो वहाँ पे ही रहूँगी, फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है, आपके वेडिंग की हाईलाइट शेयर करो। ओके, मेरे वेडिंग की हाईलाइट्स तो नहीं आई है अभी, बट वीडियोज़ आ गए हैं, पूरे 2-3 घंटे का है कुछ, तो मैं उसको कट करके 1-2-3 पार्ट में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे मैंने एल्बम आप लोगों के साथ में शेयर की, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, वैसे मैं मेरी शादी की पूरी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी बहुत जल्दी। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि संजू क्या काम करते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे संजू उदयपुर में रहते हैं, मीन्स मेरे हस्बैंड, और बापू बाजार में उनका ठेला लगता है, मॉकटेल वगैरह बनाते हैं। और मैं इनके एक स्पेशल बात बता दूं, आपको पूरे उदयपुर में मॉकटेल आपको 25 रुपीज़ में कहीं नहीं मिलेगा, वो भी अलग अलग फ्लेवर के साथ में मिल जाएगा उनके पास में। आप कहीं दूसरी जगह जाते हो तो 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 तक जाता है, बट उनके पास में 25 रुपीज़ में मिलेगा। और संजीव आपका फ्री में प्रमोशन कर दिया, ओके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉरी टू से बट आपके ससुराल वालों से आपकी बनती नहीं है क्या? आपकी रील देखकर लगता है। ए भगवान, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। तो डियर, मैं एक बात बता दूँ, मेरे ससुराल वालों से मेरी बनती नहीं है क्या, आप लोगों ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि रियल फैक्ट मैं बताती हूँ। मेरे पूरे ससुराल में मीन्स बहुत बड़ी फैमिली है, वो मेरे मतलब संजू के दादाजी वगैरह ये लोग सब 5 भाई हैं। तो कोई भी अभी मुझसे मीन्स की मिला है ऐसे, बट उन्होंने किसी ने मुझसे फेस टू फेस बात नहीं की है। आकाश भैया की शादी में मिले थे तो हाई हेलो हुआ था, उसके बाद में मुझे कोई जानता नहीं है, मीन्स की ऐसे हाँ पता है कि ये संजू की वाइफ है, और कोई मुझसे ऐसे आके बात नहीं किया है। और जिस इंसान से आप बात नहीं करते हो तो आप उसके बारे में बैठे बैठे ही अपनी राय एक मशवरा बना लेते हैं कि हाँ भाई उन मतलब कि पूरी फैमिली की बात नहीं करती हूँ मैं, मीन्स कि फैमिली को छोड़ के भी अदर जो पर्सन हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत लोग होते हैं पूरी फैमिली में, तो सब लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरे बारे में उनको कोई कुछ आइडिया नहीं है, मीन्स सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी हुई है मेरे बारे में। सब लोगों को लगता है, मोस्ट ऑफ लोगों को, कि ये मुंबई से है, बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर, और ये वीडियोज़ बनाती है तो खुद को पता नहीं क्या समझती है, बट किसी ने मुझसे अभी तक बात नहीं की है। और रहा सवाल, आपने बोला कि ये रील्स बनाती है, आपकी रील्स से ऐसा लगता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, आपने बोला था कि 2-3 वीडियोस डाली है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी कि मेरे सासरे के लोग कहते हैं कि फलाने की वह वीडियो बनावत है, तो उसकी बात करती हूँ मैं। देखिए, आप किसी से मिले नहीं हो ना, तो आप उसके बारे में राय नहीं बना सकते हो। आप उसको वीडियोस में देख के, वीडियोस 1000 तरह के होते हैं, कोई विलन वाला होता है, कोई कॉमेडी वाला होता है, कोई मतलब कैसा होता है कैसा होता है, ओके। तो आप उस हिसाब से, या फिर किसी का फेस देख के, मोस्ट ऑफ लोग ना मुझे मेरा फेस देख के जज करते, ओके विलन जैसा लगता है इसका फेस, मीन्स बहुत एटीट्यूड है, ये मुंबई से आई है तो घमंडी है बहुत, वीडियोस बनाती है तो वो ये पता नहीं खुद को क्या समझती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूँ, माता जी आप लोग मुझसे मिलिए पहले, फिर मेरे बारे में राय बनाइए। और मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अगर आप अच्छे हैं ना, तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी, और आपके अंदर थोड़ा सा मैल है, मन के अंदर ईर्ष्या भाव है, जलन है, तो आपको पूरी दुनिया ही वैसी लगेगी। आप बुरे हैं तो सब बुरे हैं, आप अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ओके। तो पहले मुझसे मिलिए, फिर मेरे बारे में राय बनाइए।
तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मेरी एक मेरी जो सगी आंटी है उन्होंने मुझे बताया था कि उनके फ्रेंड्स वगैरह या उनसे कोई मिलता है तो बोलते हैं, अच्छा वो तेरी जेठ जी की लड़की है, बहुत घमंडी होगी ना। तो मेरे आंटी जी ने एक ही बात कही उनसे कि नहीं, वो जैसी व्लॉग में दिखती है रियल में भी वैसी ही है, वो जो है मुंह पे बोल देगी, आपके पीठ पीछे कभी बुराई नहीं करेगी, आप एक बार उनसे मिलना फिर किसी के बारे में राय बनाना अपनी। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों को। ससुराल वाले आए थे मेरे रिसेप्शन में, आए थे सिर्फ भैया की शादी में, सब लोगों ने मुझसे हाय हेलो किया था, इससे ज्यादा बात नहीं हुई थी हमारी। एंड जब मेरे रिसेप्शन में आए थे तो रिसेप्शन में तो बात होने का या शादी में बात करने का तो सवाल ही नहीं होता। शादी में मुझसे मतलब किसी ने भी बात नहीं की थी, किसी ने भी नहीं बात की थी, मतलब हाय हेलो भी नहीं किया था किसी ने, और उसके बाद तो हम लोग कोई मिले भी नहीं। तो फिर आप अपने हिसाब से राय बनाते हो तो ये चीज़ गलत है, और भी बना भी रहे हो तो अच्छी बना रहे हो, बुरी बना रहे हो तो आप सोच लो, आप बुरे हो तो मैं बुरी हूँ, आप अच्छे हो तो मैं अच्छी हूँ, आपका जैसा मन होगा वैसे लगूंगी मैं आप लोगों को। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोग। वालों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो सब लोग बोलते हैं ये लड़की, कुछ लोग अप्रिशिएट करते कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, और कुछ लोग होते हैं जो जिनके विचार मेरे से नहीं मेल खाते अभी के विचारों से कि ये गलत चीज़ है, उन लोगों को लगता है कि ओहो वीडियो बना रही है, ये तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, खुद को पता नहीं क्या समझती है। तो देखिए माता जी, मेरी बहन है जो भी है आप लोग, और या फिर को भी कोई भी जेंट्स भी देखता है तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपको आता है तो आप भी करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में ऐसे राय नहीं बना लेनी चाहिए, अरे भाई ये वीडियो बनाती है ये लड़की तो ये लड़की ऐसी ही है, ऐसा नहीं है ना। मैं कोई गलत वीडियोज़ बना रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, मुझे मेरी लिमिट्स पता है, मुझे मेरी हदें पता है कि मुझे किस दायरे तक वीडियोस बनानी, और सबसे बड़ी बात मैं वीडियोस छोड़ भी दूंगी अगर मेरे पापा बोलेंगे तो। मेरे पापा मुझे खुद इतना सपोर्ट करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं मुझे कि बेटा आप कर रहे हो वो सही है और गलत नहीं करना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। और उससे भी बड़ी बात, मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बोलते कि आप कर रहे हो अच्छी बात है, लोगों को नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं, आप टेंशन फ्री होके बना। और दूसरी रील की बात रही कि वो मारवाड़ी वीडियोस बनाया था मैंने, कि तो बोलते कि आपकी तो भाभी से अच्छी नहीं बनती है, आपने तो आपकी जेठानी के लिए बनाया, दूसरे लोगों ने भी बोला कि हम भी जेठानी होते हैं हमारे लिए भी बनाया। तो भाई मैंने किसी के लिए नहीं बनाया, मैं और भी मारवाड़ी इस वीडियो बनाने वाली थी, बट मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब, मेरा गला इतना ख़राब था कि मैं कॉमेडी वीडियो बनाते तो हंसी आती है तो मुझे खांसी होने लग जाती है, तो मेरी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी 10-15 दिन से सर्दी की वजह से, तो मैंने और नहीं बनाई। और जो रील है उसके लिए मुझे, जो मैंने जेठानी को लेके वो जो रील बनाई थी फ्रस्ट्रेट जेठानी, तो उसको लेके मुझे मेरे जेठ जी ने खुद अप्रिशिएट किया था, संजू को कॉल करके बोला कि वाह बहुत अच्छी रील बनाई है भावना ने, बहुत अच्छा लगा देख के, उनको फनी वीडियोस बहुत पसंद है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो मीन्स आप लोग सोच सकते हो वो उनके लिए नहीं, और मेरी जेठानी इतनी समझदार है कि उनको खुद को पता है कि वो उनके लिए नहीं है, वो खुद मुझे बोलती है कि बेटा तुझे वीडियोस ऐसे बनानी है, तुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तुझे ये काम करना है तो तू कर, तू आगे बढ़, होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। वो मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, और उनको पता है कि ये इस चीज़ में आगे करना चाहती है तो वो खुद मुझे सपोर्ट करती है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। तो वो रील उनके लिए भी नहीं है, वो काफ़ी समझदार है। और एक बात बता दूँ, अगर फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने वो आप लोगों के लिए बनाई है, तो देखो भाई सामने चप्पल रखी हुई है आपके पैरों में फिट बैठ रही है तो आप समझदार हो, और नहीं बैठ रही है तो फिर वो आप लोगों के लिए नहीं है यार। आप रिलेट तब करोगे ना उस चीज़ से कि जब आप ऐसे होंगे, खुद को आप ऐसा ही समझते हो तो आप रिलेट कर रहे हो कि हाँ भाई ये वीडियो मेरे लिए है, और आप अगर ऐसे नहीं हो, आप अच्छे हो तो आपको पता है कि वो वीडियो हमारे लिए नहीं है और है, तो फिर आप समझदार हो, क्या ही बोलूँ मैं। और एक और वीडियो बनाई थी कि मैंने अच्छी बहू बनने का विचार त्याग दिया वगैरह, ये फनी वीडियो थी वो, तो यार नॉर्मली मेरे को अच्छी लगी, मैंने बना दी। हर वीडियोस का और हर चीज़ का आंसर करना ज़रूरी है क्या यार? अब आप लोग आपकी राय रखिए मेरे बारे में, आपको कैसा लगता है, आपको ये सच लगता है क्या लगता है पता नहीं। तब क्वेश्चन नंबर आता है 6 हमारा कि आप बहुत सुंदर है, आपकी सुंदरता का राज बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपको एक बात बताती हूँ, आपका हृदय
आपका हार्ट बहुत ज्यादा सुंदर है। सुंदरता हमारे शक्ल से, सूरत से नहीं होती, सीरत से होती है। आपकी सीरत बहुत ज्यादा सुंदर है, इसलिए आप लोग, आपने मुझे ऐसा बोला कि आप बहुत सुंदर है। मुझसे ज्यादा सुंदर आप हैं, आपका आपका हृदय है, इसलिए मैं आपको सुंदर लगी। और एक ने तो मुझे अभी कमेंट भी किया था, मीन्स कि इसका ही बोला था कि आपकी फोटोज बहुत डरावनी थी, आपने क्वेश्चन एंड आंसर पर डाली थी वो वाली, तो वो वैसे है उनको, इसलिए मैं ऐसी लगी। आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच। और क्वेश्चन नंबर आता है अब 7, उदयपुर में आप कहाँ रहते हैं? तो डियर मैं बता दूँ, उदयपुर में हम लोग बलीचा रहते हैं, बट अभी वहाँ से हमारी शिफ्टिंग होने वाली है। मैं 10-15 दिन बाद आऊँगी, तब नए घर पे हम लोग जाएंगे वगैरह, कहाँ लेने वाले क्या है उसके सारे व्लॉग्स मिलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। ओके, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, बंदोली में जो लहंगा पहना है वो कहाँ से लिया है? इसका आंसर मैंने आप लोगों को मेरे पहले जो क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग था उसमें भी दिया हुआ है डियर। और मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मेरी शादी के जितने भी कपड़े थे, मेरे दोनों रिसेप्शन को छोड़ के जितने भी कपड़े हैं, वो मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं, मैंने खुद से सिले हुए हैं, मैंने कहीं से परचेस नहीं किया है, वो मेरे खुद के डिजाइन किए हुए कपड़े हैं और मैंने खुद नहीं सिले। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, दीदी आप कहाँ से हो? आप बहुत अच्छे हो, बहुत दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो आप दोनों साथ में, मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, सो थैंक यू सो मच। और इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया, मैं कहाँ रहती हूँ क्या है, और आप मेरे सारे व्लॉग देखते हो, मेरे व्लॉग को प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और तब आता है क्वेश्चन नंबर 10th, आपकी और आपकी जेठानी की बॉन्डिंग रील में नहीं दिखती है वो। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम सो लकी, मतलब मैं इतनी लकी हूँ ना कि मतलब मैं इतनी नसीब वाली हूँ कि मेरे जेठ जी जैसे तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब इतने वो अच्छे हैं, उनकी बात तो नहीं पूछी है लोगों ने उनके बारे में, बट मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब एक मुझे लिटिल सिस्टर होती है ना किसी की, छोटी बहन, उसकी तरह प्यार करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा रखते हैं। और मेरी जेठानी जैसी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब मैं मेरी जेठानी को एज अ बेस्ट फ्रेंड समझती हूँ। मैं उनसे सारी बातें शेयर करती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ, वो काफ़ी समझदार है, मतलब वो बहुत अच्छी है, मुझे हर चीज़ के लिए बोलती है कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है, तो मैं वैसा ही करती हूँ। और वो जो बोलती है ना मैं वैसा ही करती हूँ, सच में। मैं मेरे पूरे घर में, मीन ससुराल वाली फैमिली में अगर किसी पर ट्रस्ट करती हूँ ना, तो वो मेरी जेठानी संजू से ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ मैं उनको, मतलब कि उनके ऊपर, मतलब कि वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। मैं मेरे जैसे मेरे बड़े पापा की लड़की है, मुझे जैसे वो रखती है वैसे ही वो मुझे रखती है। मुझे कभी फील नहीं होती कि मेरी बड़ी सिस्टर नहीं है, तो मुझे वहाँ पे वैसे ही फील होती है। आपको बता दूँ एक बात कि जब मेरी शादी हुई थी तो 2nd डे पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, तो वो मुझसे नाराज़ हो गई थी, मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, तो उसके बाद मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ, क्योंकि वो जो बोलती है अच्छे के लिए बोलती है। और मैं कुछ करती हूँ तो उनको सब पता होता है कि हाँ ये ऐसे कर रही है, उनको बताया हुआ होता है मैंने, तो सोचो कि हमारी दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। और वो कभी मेरे लिए किसी को गलत नहीं बोलती है, और तो और अगर कोई उनके सामने मेरी बुराई भी कर देता है तो उनको जवाब दे के आती है कि आप गलत बोल रहे हो। वो मुझे हमेशा बताती कि यार जिसने तेरे बारे में ये बोला तो मैंने उसको ये बोला है तेरे बारे में, लोग गलत विचार रखते हैं, तो बेटा तेरे को ऐसा नहीं करना है, वैसे नहीं करना। एक छोटा बच्चा समझती है वो मुझे, क्योंकि मैं बहुत बचकानी हूँ, मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं, तो वो समझदार है हमारे ससुराल में सबसे ज़्यादा, तो वो मुझे हमेशा समझाती है। और एक बाउंड्रीज बना रखी है हम दोनों ने कि उनके बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं उनको बोलूँगी और वो मुझे बोलेंगे, बट मेरी तो ऐसी कोई किसी से बात होती नहीं है, कोई करता ही नहीं है मुझे वहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता है, तो मैंने तो उनके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बोला और किसी ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोला, बट वो सबसे बात करती है तो उनको बोलते तो वो मुझे बताती है हमेशा, और उनको गलत प्रूफ करके आती है कि आप गलत बोल रहे हो। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड थैंक यू सो मच कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है। और अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, रियल सिस्टर कितने हो? ये पहले वाले ब्लॉग में दे दिया है यार मैंने, हम तीन हैं, तीन, चौथी मेरे किरण मेरे मामा की लड़की है, समझे। अब क्वेश्चन आता है, तो अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि आप कितने साल के हो, आपकी एज क्या है? जालिमो किसी से किसी की एज नहीं पूछा करते हैं। फिर सॉरी, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैं 26 रनिंग हूँ फिलहाल,
हाँ हूँ, मतलब कंप्लीट होने वाला है मेरा, अभी अक्टूबर में हो जाएगा। ओके okay? और अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, जो मुझे ना बार बार पूछा गया है, इतनी बार 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 रिपीट हुआ है कि दीदी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो डियर, मैं अलग से व्लॉग देने वाली थी, बट अभी इतना बता दूं कि हाँ, मैंने और संजू ने पहले एक दूसरे को पसंद किया था, हमारी बातें हुई थी, फिर हम लोगों ने घर वालों को बताया था। तो आप समझदार हो, समझ जाओ, आपको फिर हमारे घर वालों ने हमको शादी करवा के दे दी, तो वो लव भी हो सकती है, अरेंज भी हो सकती है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है कि दीदी आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और आपको देख के ऐसा लगता है कि मारवाड़ी गर्ल्स भी हर चीज़ में परफेक्ट हो सकती है और सब चीज़ कर सकती है, तो आप एक एग्जाम्पल हो और आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। हम मारवाड़ी की बात है तो हमारे मीन्स की फैमिली समाज वगैरह सबका बहुत इश्यू होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया बहुत गलत चीज़ है वगैरह ऐसा वैसा। तो मेरे पापा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं मुझे, और बाकी कोई करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और परफेक्ट की बात है तो देखो, मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, मीन्स कि मैं गांव में भी पली बड़ी हूँ और मैं मुंबई में भी पली बड़ी हूँ, तो मुझे दोनों तरह के संस्कार पता है और मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। तो मैं दोनों मीन्स की बाउंड्रीज में ढल सकती हूँ, मीन्स की दोनों एरिया में परफेक्ट हूँ। मेरे हस्बैंड को मैं, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी बहुत अच्छी लगती हूँ, और मैं मतलब जिसको साड़ी वगैरह में अच्छी लगती हूँ तो मैं वो भी करती हूँ। और आपने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। इफ़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।